कहानी की शुरुआत में हमें एक राजकुमारी को दिखाया जाता है जिस पर 7 अभिमानी राजकुमार हमला कर देते हैं, इसलिए वे उन्हें बोनू में बदल देती है और अब केवल सच्चे प्यार का किस ही उन्हें इस अभिशाप से बचा सकता है। कहानी की शुरुआत फेरी टेल आइलैंड से होती है जहाँ हर समय आपदाएं और दुर्घटनाएं होती रहती है। समस्याओं को सुलझाने के लिए लोग आमतौर पर फियरलेस 7 को बुलाते हैं जो किंगडम के सबसे ग्रेटेस्ट सुपर हीरोज है। हालांकि सब कुछ बदल जाता है जब ये ग्रुप एक दुष्ट ड्रैगन को हरा देते हैं और राजकुमारी को बचा लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक चुड़ियल को बचा लिया है क्योंकि वे कुछ इस प्रकार की लगती है, इसलिए प्रिंस उस पर अटैक कर देते हैं और ये गलती उन पर भारी पड़ती है क्योंकि वे एक चुड़ियल नहीं थी बल्कि एक परी राजकुमारी थी जो उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्हें श्राप दे देती है। और तब से जब भी कोई फियरलेस 7 की ओर देखता है वे हरे बोनू में बदल जाते हैं। केवल एक ही तरीके से इस अभिशाप को तोड़ा जा सकता है और वो है सबसे ब्यूटीफुल लड़की का किस लेकर। लेकिन उनके इस अपीयरेंस की वजह से ये इतना आसान काम भी नहीं है। बाद में रेजिना अपने मेल से कमरे की ओर जाती है जहाँ उसका जादू वाला पेड़ है। एप्पल की जगह पेड़ लाल जूते प्रोड्यूस करता है जो चुड़ैल की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए होते हैं। जब से वे बड़ी हुई है उसकी एक ही महत्वाकांक्षा है, सबसे सुंदर बनना और अनंत काल के लिए जवान रहना। हालांकि उसने कई सूज पहनकर कोशिश कर ली लेकिन उनमें से कोई भी उसके लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा। गुस्से में आकर वे जूतों की जोड़ी को फेंक देती है और अपने नौकरों को उनसे छुटकारा पाने का आदेश देती है। स्नो व्हाइट नाम की लड़की अपने पिता के ठिकाने के बारे में सुराग ढूंढने के लिए कमरे में घुस जाती है। कमरे की तलाश करते समय उसे दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई देती है। उनमें से एक लकड़ी का भालू झाड़ू पर उड़ते हुए दिखाई देता है। वे चेक कर रहा है कि क्या यह जगह खाली है और उसे खिड़की पर एक रस्सी दिखाई देती है। वे रियलाइज करता है कि इसे यहाँ नहीं होना चाहिए लेकिन वे इसे इग्नोर करने का फैसला करता है। जब क्रिएचर वहां से चला जाता है तो स्नो व्हाइट जो टेबल के नीचे छुपी हुई थी उठने की कोशिश करती है और गलती से उसके सिर पर चोट लग जाती है। उसी समय उसे एक सीक्रेट जगह का पता चलता है जहाँ उसे उसके पिता व्हाइट किंग की डायरी मिलती है। आदमी कहता है कि काश लड़की की माँ उसकी खूबसूरत जवान बेटी को देख पाती। रानी की मृत्यु के बाद व्हाइट किंग रेजिना से शादी कर लेता है, एक खूबसूरत औरत जिसे हर कोई चुड़ैल कहता था। लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे की वजह से वे विश्वास नहीं कर पाता कि वे एक जादूगरनी है जब तक उसे अजीब सी चीजें नहीं दिखने लग जाती। सबसे पहले उसे एक छायादार मिरर पर शक होता है जो अचानक एक पेड़ की तरह बड़ा हो गया है। महल के आसपास के लोग गायब होने लगते हैं और इस वजह से राजा को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। एक रात वह अपनी खुद की आंखों से रेजिना को पेड़ से बात करते हुए देखता है और अब उसे पक्का यकीन हो गया है कि उसकी खूबसूरत वाइफ एक चुड़ैल है। वह तुरंत अपनी बेटी स्नो व्हाइट को दूर भेज देता है और खुद उस महिला का सामना करने के लिए चला जाता है। शापित आईना राजा का पीछा करता है लेकिन पकड़े जाने से पहले उसके पास अपनी डायरी में आखिरी नोट लिखने का टाइम रहता है। इसमें राजा अपनी बेटी को साथ फियरलेस को ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि वे राज्य को बचाने में उसकी मदद करेंगे। किताब में लिखी गई हर चीज को देखने के बाद स्नो व्हाइट उस एप्पल के पेड़ को देखती है और उसकी ओर जाती है। जब रेजिना कमरे में एंटर करती है तो वे एक ब्यूटीफुल लड़की को देखती है जिसने उसके लाल जूते पहन रखे हैं। वे अपने सर्वेंट्स को इस लड़की को पकड़ने का आदेश देती है। हालांकि स्नो व्हाइट एक झाड़ू उठाती है और चुड़ैल के चंगुल से बस निकलती है। कुछ देर बाद इच्छा पूरी करने वाला पेड़ सड़ जाता है और वहीं पर मर जाता है। गुस्से में आकर रेजिना अपने जादू वाले मिरर के पास जाती है और पूछती है कि पूरे किंगडम में सबसे ब्यूटीफुल औरत कौन है। मिरर जवाब देता है कि सबसे खूबसूरत लड़की वह है जिसने लाल जूते पहन रखे हैं। चुड़ैल पूछती है कि उस लड़की का क्या नाम है लेकिन आईना इसका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए महिला अपने बालुओं को राज्य के हर शहर में पोस्टर वितरित करने का आदेश देती है। रेजिना कहती है कि उसे लग रहा है कि उसकी पावर दूर जा रही है और उसका चेहरा और अधिक जोरदार होने लगता है। इसे देखकर आयना सुझाव देता है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मांगनी चाहिए जिससे उस लड़की को पकड़कर कुछ हासिल करना हो और उसे प्रिंस सेवरे से मिलने की सलाह देता है। इसी समय फियरलेस 7 जंगल से गुजर रहे हैं और वे फेरी टेल आइलैंड पर सबसे ब्यूटीफुल प्रिंसेस को ढूंढने के लिए नया प्लान बना रहे हैं। इसी बीच उन्हें एक उड़ती हुई लड़की दिखाई देती है और वे ठीक उनके घर के पास गिरती है जो कि उनसे कुछ मीटर की दूरी पर है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें जमीन पर विनाश का निशान मिलता है और उसमें एक जादू की झाड़ू दिखाई देती है। जल्दी से सुपर हीरोज आश्वासित हो जाते हैं कि वे एक चुड़ैल का सामना कर रहे हैं और लड़ाई की तैयारी करते हैं। हालांकि जब वे दरवाजा खोलते हैं तो घर में हरे बोने सबसे सुंदर लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं। इतनी सुंदर लड़की उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। हैंस पीछे से दिखाई देता है, वे लड़की का चेहरा नहीं देख पाता इसलिए वे फ्राइंग पैन से उस पर हमला कर देता है और स्नो व्हाइट बेहोश हो जाती है। जब वे जागती है तो बोने रिवील करते हैं कि वे इस घर के निवासी है। लड़की उनसे माफी मांगती है और पूछती है कि आईने में दिखने वाली ये जवान लड़की कौन है।
बोने बताते हैं कि ये उसका प्रतिबिंब है। स्नो व्हाइट को अपने नए रूप को पहचानने में काफी मुश्किलात होती है। जब छोटे हरे लोग उसका नाम पूछते हैं तो लड़की खुद को राजकुमारी रेड सू के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। उसके बाद बोने अपना परिचय देते हैं और वे ये जानकर हैरान रह जाती है कि उनके नाम फियरलेस है उनके जैसे ही। लड़की खुलासा करती है कि वे उन्हें ढूंढ रही है ताकि वे उसके पिता को खोजने में उसकी मदद कर सके। ये सुनकर मर्लिन कहता है कि सुपर हीरोज को सॉलिड रूप से बुक किया जाता है और वादा करता है कि वे और उसके दोस्त इस खोज में उसकी हेल्प करेंगे। पड़ोसी राज्य के मेल में प्रिंस एवरेज अपने गार्ड से पूछता है कि उसकी जन्मदिन की पार्टी में किन किन राजकुमारियों ने अपनी उपस्थिति कन्फर्म की है। जब उसे पता चलता है कि उन सभी ने बर्थडे में शामिल न होने का बहाना बना लिया तो वे निराश हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वे इतना अनपॉपुलर क्यों है। तभी रेजिना उसके चैम्बर में एंटर करती है और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। हालांकि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गार्ड्स को अपने रास्ते से हटा देती है और प्रिंस को पता चलता है कि वे एक चुड़ैल है। रेजिना कहती है कि एवरेज पॉपुलर हो सकता है यदि वे अपना जन्मदिन सबसे खूबसूरत लड़की के साथ मनाए। लड़का इससे सहमत हो जाता है, इसलिए वे एक सौदे का प्रस्ताव रखती है कि राजकुमार को उस लड़की को ढूंढ कर अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करना होगा। उसके बाद इनाम के तौर पर चुड़ैल तुरंत अपने जूते वापस ले लेगी। लड़का इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और जल्द ही अपनी पार्टी की तैयारी शुरू करता है। उस रात स्नो व्हाइट खोज में मदद करने के लिए अपने पिता की एक तस्वीर ड्रॉ करती है और रियलाइज करती है कि राजा उस नए रूप के साथ पहचान नहीं पाएगा। वह अपने जूते निकालने की कोशिश करती है लेकिन वह मुश्किल से ऐसा कर पाती है। वे अपने पैरों को राहत देने के लिए बिस्तर पर लेट जाती है लेकिन उसे जल्दी उन्हें वापस लगाने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि जेक दरवाजे पर आ जाता है। वे उसे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बुलाता है। लड़की कहती है कि वे बहुत थक चुकी है और अब वे सोने जा रही है। जब वे खिड़की से बाहर देखती है तो उसे कोई दिखाई देता है। उसे लगता है कि यह आदमी उसका पिता है। इसी बीच मर्लिन लाइब्रेरी में एक नए प्रकार के जादू का अध्ययन कर रहा है। वे एक किताब को लेने ही वाला होता है तभी जेक दरवाजा खोलता है और लड़का फिर से हरा मॉन्स्टर बन जाता है। जब जेक वहां से चला जाता है तो मर्लिन फिर से इंसान में बदल जाता है। उस शराब की वजह से वे और उसके फ्रेंड्स बोने बन जाते हैं जब कोई उन्हें देख रहा होता है। खिड़की से बाहर देखने पर लड़का रेड सू को जंगल की ओर दौड़ते हुए देखता है और उसके पीछे जाने का फैसला करता है। लड़की अपने पिता को पुकारती है लेकिन लकड़ी से बने एक विशाल खरगोश को देखकर हैरान हो जाती है। उसी समय मर्लिन वहां पर आ जाता है और जानवर पर अपने जादू का उपयोग करता है। वे दोनों वहां से भाग जाते हैं लेकिन मॉन्स्टर मर्लिन के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वे लड़की को दौड़ते रहने के लिए कहता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर उसे नहीं देखना है। लड़की बोने के निर्देशों का पालन करने का फैसला करती है और वहां से निकल जाती है। मर्लिन वापस इंसान में बदल जाता है और खरगोश के खिलाफ जादू करने के लिए अपने जादू के कागज का उपयोग करता है। हालांकि इससे पहले कि वे अपना पहला हमला कर सके लड़की उसकी हेल्प करने के लिए वापस जाने का फैसला करती है और क्रिएचर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। इस वजह से मर्लिन फिर से एक छोटे हरे बोने में बदल जाता है और क्रिएचर उसे रोन देता है। इसी बीच आर्थर अपनी तलवार के साथ वहां पर आ जाता है और खरगोश को नीचे गिराने में सक्षम हो जाता है। जब राजकुमारी सुरक्षित हो जाती है तो लड़का मरने का नाटक करता है और एक गुड बाय किस मांगता है। हालांकि हेंस और जेक इस नाटक से पर्दा उठाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। कुछ मिनट्स बाद एक विशाल रोबोट वहां पर आ जाता है और बोने लड़ाई की तैयारी करते हैं और जल्दी उन्हें पता चलता है कि मशीन को पाइनो गन्नोची और कियो द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जब मर्लिन वहां आ जाता है तो ग्रुप वापस घर की ओर लौट जाता है। आर्थर कहता है कि वे रेड सू की मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। वे लड़की को उससे किस करने के लिए कहता है लेकिन किस की बजाय राजकुमारी उसे थप्पड़ मार देती है। आर्थर अन्य छह फियरलेस के साथ मिलकर रेड सू के पिता को खोजने का प्लान बनाता है। अगली सुबह लड़की अपनी ड्रॉइंग्स अपने दोस्तों को वितरित करती है और वे सभी टाउन की ओर चले जाते हैं जबकि मर्लिन विशाल खरगोश पर नजर रखने के लिए घर में ही रुकता है जिसे उन्होंने जंगल में पकड़ा था। जंगल में एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने के बाद ग्रुप आपस में बंट जाता है ताकि खोज के दायरे को बढ़ाया जा सके और आर्थर राजकुमारी को एक्स कैलिबर के पास ले जाता है। लड़का प्लान बना रहा है कि तलवार निकालकर वह अपनी मान शक्ति का प्रदर्शन करेगा क्योंकि उसका मानना है कि यह प्रदर्शन राजकुमारी का दिल जीत लेगा। लेकिन उसके ये करने से पहले लड़की अपने आप तलवार को निकाल लेती है और आर्थर मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास कर पाता है। इसके बाद लड़की तलवार को फिर से अपने स्थान पर रख देती है। बोना उसे वापिस निकालने की सख्त कोशिश करता है लेकिन लड़का निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। इस बीच मर्लिन को एक शानदार आइडिया आता है। वे कुछ गाजरों को उठाता है और इसका उपयोग चारे के रूप में करता है ताकि वे जायंट खरगोश को शहर में ले जा सके। इसी बीच प्रिंसेस और आर्थर व्हाइट किंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं।
वे जहाँ भी जाते हैं लड़की अपनी खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। कोई भी उसके पिता के बारे में नहीं जानता, लेकिन हर कोई उसे खुश करने की कोशिश करता है। जब वे आर्थर से मिलती है तो उसे पता चलता है कि लड़का अब भी इस फैक्ट को नहीं मान रहा कि वे तलवार नहीं हटा सकता। इसलिए लड़की उसे वहाँ वापिस ले जाकर उसके लिए एक्सकैलिबर को हटाने की पेशकश करती है। ये सुनकर लड़का खुश हो जाता है और फिर से राजा को ढूंढने के अपने मिशन को कंटिन्यू रखता है। शहर के बीच चलते हुए रेड शू एक वांटेड साइन को देखती है। अचानक राजकुमार एवरेज के सिक्योरिटी गार्ड्स उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से लड़की को छुपना पड़ता है। वह अपने जूते निकालने का फैसला करती है और अपने मूल रूप में वापस आ जाती है, क्योंकि पकड़े जाने से बचने का यही एकमात्र तरीका है। इसी बीच मर्लिन शहर में आ जाता है। कुछ गार्ड्स उसके पास जाकर बोनी से पूछते हैं कि क्या उसने इस लड़की को कहीं पर देखा है। उसे पता चलता है कि राजकुमारी खतरे में है। जैसे ही वे उस गली से निकलने वाली होती है, गार्ड्स का एक ग्रुप स्नो व्हाइट के पास आता है। वे उसका जूता चुरा लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, ये कहकर कि ये छोटे जूते उसके पैरों में कभी भी फिट नहीं होंगे। गुस्से से लड़की उनमें से एक पर अटैक कर देती है। उसी क्षण मर्लिन वहां पर आ जाता है और गार्ड्स को नीचे गिराने के बाद लड़की को उसका जूता देता है। कुछ देर बाद वे अपने जूते पहनती है और अपने दोस्तों से मिलने जाती है। तभी स्नो व्हाइट को फिर से गार्ड्स फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन मर्लिन विशाल खरगोश की मदद से उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। भागते समय लड़की अपनी ड्रॉइंग नीचे गिरा देती है और इससे सिक्योरिटी गार्ड्स को पता चलता है कि वे राजा की तलाश कर रही है। जब वे सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं तो मर्लिन उससे पूछता है कि गार्ड्स उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। वे जवाब देती है कि वे उसके जादू के जूते के लिए ऐसा कर रहे थे। निराश होकर वे बिना उम्मीद के साथ घर लौटने का फैसला करती है। उसे लगता है कि वे उसके पिता को नहीं ढूंढ पाएगी। इसी बीच मर्लिन को एक आइडिया आता है। वे फूलों के बिस्तर का यूज करके व्हाइट किंग के लिए एक मैसेज छोड़ता है। अपने दोस्तों के काम को देख कर राजकुमारी उन्हें धन्यवाद देती है और मर्लिन के चेहरे के पास उसे चूमने के लिए जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वे केवल उसके चेहरे से पंखुड़ियों को उड़ाना चाहती थी। उसके बाद ट्विंस को मर्लिन द्वारा छोड़े गए नोट के बारे में पता चलता है और वे लड़की की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। रेजिना के भालू भी झाड़ियों में छुपे हुए थे और वे प्रिंसेस को ढूंढने का फैसला करते हैं। गाजर उठाते समय मर्लिन उस पल को याद करता है जब उसे राजकुमारी ने लगभग किस दे ही दिया था। उसी पल उसे रियलाइज होता है कि वे राजकुमारी से प्यार करने लग गया है। आर्थर लड़के को राजकुमारी के साथ अपने रिश्ते को खराब करने से रोकने की कोशिश करता है और दोनों को पकड़ लिया जाता है। इसी बीच हैंस प्रिंसेस का दिल जीतने के लिए एक सुंदर मिठाई तैयार करता है और जेक उसे हीरे की अंगूठी के साथ लुभाने की कोशिश करता है। अचानक उन्हें प्रिंस एवरेज की एक घोषणा सुनाई देती है। वे उन्हें सुंदर लड़की को सौंपने का आदेश देता है, नहीं तो मर्लिन और आर्थर को मार दिया जाएगा। अपने दोस्तों को बचाने के लिए राजकुमारी खुद को उसे सौंपने के लिए सहमत हो जाती है। वे प्रिंस को बोनू को छोड़ने का आदेश देती है। लड़का गार्ड्स को लड़की को पकड़ने का ऑर्डर देता है और चारों फियरलेस टीम बनाकर उसे बचाने के लिए अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग करते हैं, लेकिन लड़ाई शुरू होने के कुछ मिनट्स बाद ही वे हार जाते हैं। जेक प्रिंसेस को बचाने के लिए अपने अदृश्य लबादे का यूज करता है और वे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया जाता है। इसी बीच लड़की को अदृश्य लबादे का यूज करने का आइडिया आता है और वे दोनों मर्लिन के ऊपर गिर जाते हैं। तिरपल अपनी वर्कशॉप में एक और आविष्कार पर काम कर रहे हैं। जब वे बाहर से शोर सुनते हैं तो वे अपने साथियों के साथ लड़ने के लिए अपने विशाल रोबोट के साथ बाहर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही उनके दोस्त हारने वाले होते हैं, वे गार्ड्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं और ट्विंस रोबोट को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वे उन्हें कई मीटर ऊपर आसमान में ले जाता है। मशीन वापिस जमीन पर आती है और अपने अन्य दुश्मनों को मार गिराती है। ग्रुप अपनी जीत का जश्न मनाता है, लेकिन यह अभी बहुत जल्दी है। जब उन्हें लगता है कि उन्होंने एवरेज की सेना को हरा दिया है, गार्ड्स दो तोपों के साथ दिखाई देते हैं और रोबोट को नष्ट कर देते हैं। एक गोला प्रिंसेस को हिट करने वाला होता है, लेकिन तभी मर्लिन उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। लड़के को पता चलता है कि गोले ने घर में दरार पैदा कर दी है और वे अपने दोस्तों को अंदर जाने के लिए कहता है, जबकि ये दुश्मन सेना के ऊपर गिर पड़ता है। प्रिंसेस और मर्लिन जीत का जश्न मनाते हैं और वे उन्हें बताता है कि वे लड़की को अपने असली रूप में मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। लड़का कहता है कि वे अब गोल मटोल और हरा नहीं रह सकता। हालांकि राजकुमारी का कहना है कि इनमें से कोई भी चीज मायने नहीं रखती, क्योंकि वे एक अद्भुत व्यक्ति है और वे उसे ठीक उसी तरीके से पसंद करती है जैसा वे अभी है। बातचीत के दौरान प्रिंसेस अपने असली रूप को प्रकट करने का फैसला करती है और अपने मूल रूप में लौटने के लिए जूते निकालने की कोशिश करती है। हालांकि मर्लिन की मदद से भी वे उनसे छुटकारा नहीं पा सकती और अंत में वे इस विचार को छोड़ देती है। जब वह मेल में लौटता है तो एवरेज चुड़ैल की प्रेजेंस से आश्चर्यचकित हो जाता है, जो उसके जूते लेने के लिए वहां आती है। प्रिंस उसे बताता है कि बोनो की वजह से उसका मिशन फेल हो गया है
डेजिना उसे और उसके आदमी को सेब के एक टुकड़े को खाने का आदेश देती है। जैसे ही वे ऐसा करते हैं वे लकड़ी से बने भयानक जीवों में बदल जाते हैं। अगली सुबह प्रिंसेस और सात बौने घर को फिर से बनाते हैं। इसकी पेंटिंग करने के बाद वे व्हाइट किंग को खोजने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए तैयारी करते हैं और त्रिपल अपने नवीनतम आविष्कार प्रिंटिंग मशीन को पेश करते हैं। वे राजकुमार की ड्रॉइंग की कई प्रतियां बनाते हैं और उन्हें पूरे शहर में वितरित करने की योजना बनाते हैं। फिर मर्लिन इसका उपयोग करके अपने जादू के कागजात की दर्जनों कॉपीज के प्रिंट निकालता है। पोस्टर को तेज गति से वितरित करने के लिए बोने को एक आइडिया आता है। वे रोबोट के ऊपर बैठकर पूरे जंगल के ऊपर से उड़ते हैं और बादलों के ऊपर से सब कुछ देखते हैं। फ्लाइट के दौरान मर्लिन अपने विचारों से विचलित हो जाता है और रोबोट एक पेड़ में जाकर क्रेश हो जाता है। दोनों जंगल के बीच में फंस जाते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। अब उन्हें चट्टान तक वापिस जाना होगा। मर्लिन ने जो कुछ भी उसके लिए किया वे उसके हाथ से जादू के पत्ते को लेकर उसके दोस्त के लिए एक लकी चार्म बनाती है। वो ना लिपस्टिक मार को किस करके अभिशाप तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ये रणनीति काम नहीं करती। अंत में वे दोनों किस करते हैं और मर्लिन कहता है कि उसने अपना रूप वापस पा लिया है। वे राजकुमारी से अपनी आंखें बंद रखने के लिए कहता है और कहता है कि वे अब असली मर्लिन से मिलेगी। हालांकि जब राजकुमारी अपनी आंखें खोलती है तो वे उसी हरे छोटे बोने को देखती है और लड़के को पता चलता है कि वे अभी भी वैसा ही है। वे समझ नहीं पाता कि किस काम क्यों नहीं कर रहा और वे एक और प्रयास करने की सोचता है। हालांकि दुष्ट क्रिएचर उन्हें इंटरप्ट कर देता है। वे उन्हें वहां डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। फॉर्चुनेटली वे दोनों एक चट्टान की दरार में गिरकर भागने में सक्षम हो जाते हैं लेकिन जब वे इससे बाहर निकलते हैं तो सामने मॉन्स्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। भागना अब भी जारी रहता है और एक नया दुश्मन दिखाई देता है। उन्हें लगभग पकड़ लिया जाता है लेकिन मर्लिन अपने जादू का उपयोग करके उन लकड़ी के मॉन्स्टर से छुटकारा पा लेता है। लेकिन अचानक तीसरा मॉन्स्टर शिकार के लिए वहां पर आ जाता है और अब मर्लिन को उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्लान के साथ आना होगा। लड़का उनमें से एक को समुद्र में गिराने में सक्षम हो जाता है लेकिन सिचुएशन और बदतर हो जाती है क्योंकि उनका पीछा करने के बजाय दोनों मॉन्स्टर चट्टानों को उनकी ओर फेंकने लग गए हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मर्लिन प्रिंसेस को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। इस वजह से वे अब अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। अब वे स्ट्रांग बन चुका है और उन मॉन्स्टर को हरा सकता है लेकिन ऐसा करने के लिए राजकुमारी को पीछे देख के बिना भागना होगा। मर्लिन आसानी से अपने दुश्मनों से लड़ने में सक्षम हो जाता है और अपने दूसरे टारगेट को नीचे गिरा देता है। तीसरा मॉन्स्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है और वे लड़के को जोर से मारता है। हालांकि मर्लिन अपने प्रिय को बचाने के लिए हार नहीं मानता और वे अपने अंतिम दुश्मन को ब्रिज से नीचे गिरा कर डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि वे पानी में गिरने से पहले मर्लिन को भी अपने साथ खींच लेता है और वे दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। प्रिंसेस उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाती है। उसे पता चलता है कि बोना एक चट्टान के नीचे फंस गया है लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वे उसे बचा सके। इसलिए लड़की अपने जूते उतारने का फैसला करती है और पत्थर को उठाने में सक्षम हो जाती है। जब वे दोनों सुरक्षित बाहर आ जाते हैं तो राजकुमारी बेहोश हो जाती है। रेजिना अपने मिरर के माध्यम से उनकी सिचुएशन के बारे में पता लगाती है और ये जानकर हैरान हो जाती है कि स्नो व्हाइट हर समय उसके जूते पहने रखती है। उस रात मर्लिन को राजकुमारी के असली रूप के बारे में पता चलता है और उसे याद आता है कि उसने उसे बचाया था जब कुछ गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लड़की रियलाइज करती है कि लड़का उसका असली रूप देखकर निराश हो गया है और इस बात से उसे शर्म महसूस होती है। वे सोने की कोशिश करने के लिए लेट जाती है। घंटों बाद जो आग उन्हें गर्म रख रही थी वे भी बुझ जाती है। इसलिए मर्लिन लकड़ियां लाने के लिए जाता है। लड़के को छोड़कर जाते हुए देख उसे लगता है कि उसने उसके रूप को देखकर उसे छोड़ दिया है। वे अपने जूते वापस पहनती है। वे जंगल के बीच चलती है और उस टाइम को याद करती है जो उसने मर्लिन के साथ बिताया है। कुछ देर बाद वे मिलते हैं और बोना उसे एक सेब देता है। जैसे ही स्नो व्हाइट इसे खाने वाली होती है असली मर्लिन वहां पर आ जाता है और चुड़ैल अपना असली रूप रिवील करती है। रेजिना लड़की को पकड़ लेती है और राजकुमार उसे बचाने के लिए जाता है। वे भालू को दूसरे बोनू को बुलाने और उनके जादू के कागज की कई प्रतियां बनाने के लिए कहता है। जब उन्हें स्नो व्हाइट की खबर मिलती है तो बोने तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और आर्थर एक्स कैलिबर को लेने के लिए जाता है। ट्रिपल पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि उनके दोस्त को तलवार मिल सके। इसी बीच खरगोश मर्लिन को एक गुप्त प्रवेश द्वार पर ले जाता है। जब लड़का उसकी तलाश कर रहा होता है रेजिना स्नो व्हाइट को सेब खाने के लिए मनाने की कोशिश करती है। कुछ मिनट्स बाद मर्लिन को भी पकड़ लिया जाता है और चुड़ैल स्नो व्हाइट को उसे मारने की धमकी देती है। वे सेब को खाने के लिए सहमत हो जाती है और इस वजह से धीरे धीरे उसका शरीर एक पेड़ में बदल जाता है। उसके बाद लड़के को जादू वाले मिरर के कमरे में ले जाया जाता है। लड़का उसे सूज को उतार कर लड़की को जाने देने के लिए कहता है। हालांकि मिरर उसे इन्फॉर्म करता है कि जूते उनके पहनने वाले की इच्छा पर डिपेंड करते हैं और जब ऐसा होता है तो बॉन्ड परमानेंट हो जाता है। इसका मतलब है कि स्नो व्हाइट उन जूतों को कभी नहीं उतार पाएगी। मर्लिन कहता है कि जब वे समुद्र के अंदर कूद गई थी तब तो वे उन्हें उतारने में सक्षम थी। मिरर कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि लड़की को उसे बचाने की इच्छा सुंदर होने की इच्छा से अधिक थी। लेकिन अब जब उसने सेब खा लिया है तो राजकुमारी एक सेब के पेड़ में बदल जाएगी और सुबह जूते की एक नई जोड़ी प्रोड्यूस करेगी, जिससे रेजिना किंगडम की सबसे खूबसूरत महिला बन जाएगी। ये सुनकर मर्लिन फ्री होने के लिए अपने जादू का यूज करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिरर लड़के को पकड़ लेता है और उसे खींचकर मारने की कोशिश करता है। इसी बीच 6 फियरलेस अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं और मिरर पर अटैक कर देते हैं, जबकि ट्रिपल सापित पेड़ से फाइट करते हैं। बालू जादू के पेपर को मर्लिन को देता है और लड़का अपने साथियों के साथ हमला करता है। आर्थर शाखाओं को काटने के लिए एक्सकैलिबर का यूज करता है और जेक जादू के मिरर को तोड़ देता है, जबकि मर्लिन विशाल खरगोश पर बैठकर स्नो व्हाइट के पीछे जाता है। रेजिना अपनी जीत हासिल करने ही वाली होती है, लेकिन राजकुमार वहां पर आ जाता है और लड़का एनर्जी बॉम्ब बनाने के लिए अपने जादू के कागज का उपयोग करता है और सुनिश्चित करता है कि चुड़ैल इससे बच नहीं पाएगी। जैसे ही चुड़ैल अपनी जान गंवाती है, स्नो व्हाइट समेत सारे लोग उसके अभिशाप से मुक्त हो जाते हैं। लड़की अपने पिता को वापिस पाकर खुश हो जाती है और पूछती है कि मर्लिन कहाँ पर है। जब उसे पता चलता है कि लड़के ने उसे बचाने के लिए खुद का बलिदान दे दिया, तो वे निराशा में डूब जाती है और उसके पिता उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। ट्रिपल अपने दोस्त की बॉडी को वापिस लाते हैं और मरने से पहले इसे राजकुमारी को देते हैं। लड़का कहता है कि स्नो व्हाइट इस दुनिया की सबसे शानदार लड़की है। वह गिरने से बच गया था क्योंकि उसके पास लकी चार्म था, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपनी चोटों से नहीं बच पाया। अंतिम विदाई के लिए राजकुमारी मर्लिन को किस करती है और इससे पुष्टि हो जाती है कि वह उससे प्यार करती है। हरा बोना एक हैंडसम प्रिंस में बदल जाता है और स्नो व्हाइट को पता चलता है कि वे 7 पियरलेस में से एक है। इसके बाद वे दोनों कभी अलग नहीं होते और एक वेडिंग सेरेमनी के माध्यम से पूरे किंगडम में अपने प्यार की घोषणा करते हैं। इस तरह ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।